गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। डियर स्टूडेंट, रीअपेयर का आपका रिजल्ट आ चुका है। सभी बच्चों ने रिजल्ट देख लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपका रिजल्ट अच्छा रहा होगा। लेकिन इसके अलावा भी किसी स्टूडेंट की कोई रीअपेयर रहती है तो उसके लिए पीसीएफ फॉर्म का भी शेड्यूल आ चुका है। पीसीएफ फॉर्म आप 10 सितंबर तक फिल कर सकते हैं, नोटिस आप बोर्ड की साइट पर देख सकते हैं। तो पीसीएफ फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 10 सितंबर है। 10 सितंबर तक आप पीसीएफ फॉर्म फिल कर सकते हो। सेमेस्टर फीस जो है वो 350 है पर सेमेस्टर जो रहेगी आपकी, और एनुअल पैटर्न के लिए 700 रुपये फीस रहेगी। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अब हम बताने वाले हैं कि जो एनुअल पैटर्न है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था कि सिलेबस क्या रहेगा। मेनली हम इसमें बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर जो एनुअल पैटर्न है उनके लिए रीअपियर एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग सिलेबस ऑफ फर्स्ट ईयर एनुअल पैटर्न ऑफ ऑल डिप्लोमा कोर्सेज फॉर स्पेशल एग्जाम। तो इट इज़ इंटीमेटेड दैट फोर्थ कमिंग स्पेशल रीअपियर एग्जाम फर्स्ट ईयर एनुअल पैटर्न विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 60% सिलेबस ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड इन द करिकुलम ऑफ ऑल ब्रांचेज। ऑल द स्टूडेंट मस्ट बी इन्फॉर्म अकॉर्डिंगली। तो आपका जो एनुअल पैटर्न है वो स्टडी स्कीम के अकॉर्डिंग आपका जो पेपर हो, फाइनल पेपर होता है वो 60% सिलेबस का ही होता है। तो आपका जो एनुअल पैटर्न हो का जो एग्ज़ाम होगा वो 60% सिलेबस में से ही आपका आएगा, क्योंकि जो आपकी स्टडी स्कीम थी उसके अकॉर्डिंग 20-20 और 60% का आपका पेपर होना था। अब हम यूनिट वाइज बात करें तो हम बात करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स की। सब्जेक्ट रहेगा हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स। तो ये अप्लाइड मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो देखिए, जो आपका यूनिट टेस्ट फर्स्ट या सही या सेशनल फर्स्ट कहें, उसमें जो यूनिट कवर हुई थी वो 1 और 2, दैट मीन यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड जो आपकी आई थी वो फर्स्ट इंटरनल में आई थी। सेकंड इंटरनल जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी 20% सिलेबस कवर किया गया था, और उसमें यूनिट थर्ड आई थी। और जो 60% रिमेनिंग सिलेबस है वो आपका यूनिट 4, 5th और 6th, इसमें लिखा हुआ यूनिट 4 to 6, दैट मीन यूनिट आपकी 4, 5th और 6th जो है ये आपकी फाइनल में आएगी। अब बात आती है कि भाई इस वीडियो में हम समझेंगे कि पासिंग मार्क्स बच्चे को कितने चाहिए होते हैं, पासिंग मार्क्स कितने चाहिए। तो 40% कंबाइंड इन इंटरनल एंड फाइनल असेसमेंट विद मिनिमम 25% मार्क इन फाइनल असेसमेंट। तो इसका मतलब ये है कि आपको 40% टोटल पास होने के लिए आपको 40% नंबर चाहिए होते हैं, और 25% नंबर आपको फाइनल में कम से कम लेने हैं। इसका मतलब ये है कि आपके टोटल तो कितने बनने चाहिए, टोटल नंबर आपके 40 बनने चाहिए, लेकिन 25% दैट मीन 15 आपको कम से कम 15 नंबर आपको स्कोर करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आपने इंटरनल में 30 स्कोर कर लिए तो आपको उसके लिए 10 से काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको फाइनल में मिनिमम 15 नंबर लेने ही पड़ेंगे। 15 नंबर लेने के बाद और तीनों का कम्बिनेशन अगर 40 बनता है तो ही आप पास रहोगे। तो मिनिमम 40% कम्बाइन चाहिए, और फाइनल या एग्ज़ाम में जो आपके हैं 60 नंबर का जो अब एग्ज़ाम होगा उसमें आपको कम से कम 15 नंबर लेने होंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन है अप्लाइड मैकेनिक्स का, मैंने बता दिया। यूनिट 4, 5th और 6th में से आपका फाइनल पेपर होगा, 60 नंबर का आपका पेपर होगा, कम से कम आपको 15 लेने पड़ेंगे, और फर्स्ट इंटरनल, सेकेंड इंटरनल और फाइनल का जो है वो टोटल 40 आपका बनना चाहिए। तो 40% इस तरह से रहेगा, मिनिमम 15 मार्क्स आपको स्कोर इस एग्ज़ाम में करने होंगे। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपको बताई है, सभी इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनेंगे और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम।